हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या कर रहे थे? लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हाउ टू डिज़ाइन आरसीसी स्टीयर, और आरसीसी स्टीयर को डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ती है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक देखा था कि वी हैव फॉलोड अप टू द सिक्स स्टेप्स। इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फाइंड रिइंफोर्समेंट, कि कितनी रिइंफोर्समेंट मुझे लगेगा और कहाँ किस तरह का डालना है। तो चलो लास्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमारी अगर इस तरह की स्टीयर है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टीयर स्पैनिंग लॉन्गिट्यूडनली, क्योंकि हमारा सपोर्ट यहाँ पर है और दूसरा सपोर्ट हमारा यहाँ पर है। तो अगर इस तरह की स्टीयर होगी तो हमारा रिइंफोर्समेंट का प्लेसमेंट किस तरह का होगा। तो रिइंफोर्समेंट का प्लेसमेंट में बताया था कि जो रिइंफोर्समेंट आप इस यूनिवर्सल फार्मूला जो हमारे पास है सिंगल रिइंफोर्स स्लैब के लिए, दिस इज माय यूनिवर्सल फार्मूला, इस फार्मूले को यूज करते हुए मुझे ए एस टी मिल जाएगा। एंड मोमेंट मुझे स्टेप फाइव में पता है, मुझे मिल चुका था। तो इस ए एस टी का जो हमारा मिला है उसको हम लोग कैसे प्लेस करेंगे, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दिस ए एस टी विल बी प्लेस्ड इन द वेस्ट स्लैब, ये वेस्ट स्लैब में मुझे डालना है। तो बताया था ये जो एस टी होगा वो आपका मेन रिइंफोर्समेंट होगा। दैट रिइंफोर्समेंट इज गोइंग टू टेक द बेंडिंग मोमेंट कमिंग टू द स्टीयर, कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वही है जो आपकी स्टील रिइंफोर्समेंट है वो काउंटर करेगी। तो मैं बात कर रहा था ये ग्रीन वाली, तो ग्रीन वाली जो रिइंफोर्समेंट होगी ये आपका मेन रिइंफोर्समेंट होगा। इट मीन्स कि जो एस टी आपने निकाला है वो आपको ग्रीन वाली रिइंफोर्समेंट जो आपकी क्रॉस प्रोफाइल जो आपकी स्टेयर की है वो फॉलो करेगी, स्टार्ट फ्रॉम द सपोर्ट दिस ऐसे करके फिर आपका जो क्रॉस प्रोफाइल है जाएगा। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से बेंड नहीं कर सकते, मुझे इस मेन रिइंफोर्समेंट को सीधा कंप्रेशन जोन ऑफ द लैंडिंग के कंप्रेशन जोन तक लेकर के जाना है, फिर इसे बेंड करनी है। अब तो हमने लैंडिंग का कंप्रेशन जोन में तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन सेपरेट रिइंफोर्समेंट मुझे टेंसाइल जोन के लिए प्रोवाइड करना होगा लैंडिंग में। तो सपोज इफ यू डिवाइड दिस लैंडिंग इन टू जोन, तो दिस टॉप जोन विल बी योर कंप्रेशन एंड दिस बॉटम विल बी योर टेंशन। तो सिर्फ कंप्रेशन डालने से तो मेरा काम नहीं होगा, तो इस कंप्रेशन तो मैं डाल रहा हूँ अपने इस पोर्शन के लिए, फॉर दिस पोर्शन के लिए इसको कंप्रेशन तक लेकर के गया। अब मुझे लैंडिंग में तो टेंशन जोन चाहिए, टेंशन रिइंफोर्समेंट चाहिए टेंशन जोन में, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इसी रिइंफोर्समेंट को, इसी मेन रिइंफोर्समेंट को मैं क्या किया, जस्ट जो हमारी डाउन करके जो थिकनेस है हमारा लैंडिंग का, मैं लेकर के इस डायरेक्शन पे लेकर के चला गया और फिर इसको एक डेवलपमेंट लेंथ के इक्वल लेंथ तक मुझे इधर भी लेकर के आना पड़ेगा। दिस इज द वे टू प्रोवाइड मेन रिइंफोर्समेंट इन द स्टीयर स्लैब। तो ग्रीन वाली मेन रिइंफोर्समेंट है, और जो आपकी सर्कल्स हैं छोटे छोटे रेड वाले, दिस ये जितने सारे, ये सब हमारे डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट। जिस तरह स्लैब में हम लोग क्या करते थे, मेन इन्फोर्समेंट डाल दिया आपने, उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट चाहिए, वो कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो मुझे पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन इन्फोर्समेंट होगी वो कितनी होगी, ए एस टी तो मुझे मिल जाएगा मेन, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट मुझे कितना प्रोवाइड करना है, 0.12% ऑफ बी डी, बी इज width of slab you can say, and d is your overall depth of waste slab। इतना reinforcement मुझे as a distribution reinforcement provide करना है, और मुझे पता है slab में मुझे एक main reinforcement होती है और दूसरी distribution होती है। तो इस तरह का cross profile हम लोग क्यों कर रहे हैं, because ये गलतियाँ बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स करते हैं स्टीयर में, और स्टीयर की फेलियर बहुत होती है। इस वजह से जब भी आप स्टीयर के डिज़ाइन करोगे साइट में, अगर स्टीयर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, यू शुड बी वेरी वेरी अलर्ट, आपको बहुत अलर्ट रहना है। बिकॉज एक नॉर्मल जो आपका राजमिस्त्री जो होगा वो इतने अच्छे तरीके से, और जो हमारा इंजीनियरिंग कहता है वो रिइंफोर्समेंट नहीं डाल पाएगा, वो यहाँ से ला करके इसको यहीं से बेंड कर देगा और आपका फेलियर का चांसेस बढ़ जाएगा। इसीलिए आप जब भी साइड में काम करवाओगे आपको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि मुझे इस रिइंफोर्समेंट को, मेन को
एक बार कंप्रेशन में लेकर जाना है, उसी को मुझे टेंशन में लेकर जाना है, फिर एक डेवलपमेंट लेंथ का लेंथ तक मुझे यहां तक लाना है। तो आपने एएसटी प्रोवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन एनफोर्समेंट कितना है एज पर आईएस कोड 0.12% ऑफ बीडी, ये हमें पता है, ये हम लोगों ने डाल दिया। अब मुझे एक चीज करना है, थोड़ा मैं इस पर लिखता हूं कि द मेन एनफोर्समेंट क्या लिखेंगे हम लोग, जस्ट राइट डाउन सम पॉइंट्स। सो जस्ट लेट मी इरेज हियर, दिस इज माई स्टेप सिक्स, वी आर इन स्टेप सिक्स। सो नाउ आई वांट टू इरेज दिस डायग्राम बिकॉज मुझे थोड़ा कुछ थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, द मेन एनफोर्समेंट, जस्ट राइट डाउन नोट द मेन reinforcement should be bent to follow the bottom profile of stair, follow the bottom profile of stair. Very good. However, if this pattern is followed near the landing. An angle will be formed in the bar. When the bar is stressed, it will try to throw off the concrete cover. Hence, near the landing, the bars are taken straight up and bent in the up and bent in the compression zone of landing. In order to take tensile stresses in the landing portion, separate set of bars are provided. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या बात किया था कि आपकी जो क्रॉस प्रोफाइल होगी, मैं जस्ट यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ एक बार फिर से। सपोज दिस इज माई स्टेयर हियर एंड दिस इज माई लैंडिंग पोर्सन एंड दिस इज माई अगेन द लैंडिंग पोर्सन एंड हियर दिस इज माई यू कैन से द लैंडिंग पोर्सन। सो मुझे क्या पता है कि जब भी मैं suppose this is my you can say this is my
इज माय वन सपोर्ट, यू कैन से दिस इज माय सपोर्ट। इस तरह की हमारी क्लोज प्रोफाइल होगी। मैं जस्ट छोटे वर्जन में इसको दिखा रहा हूँ। अब मुझे दिखाना होगा कि जो मेन इन्फोर्समेंट है, ऐसा लेकर के ऊपर तक इसे कंप्रेशन इसमें लेकर के जाना है, फिर मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। अब क्या करना है मुझे, मैं कंप्रेसिव जोन में डाल दिया, यहाँ से टेंसाइल जोन में लैंडिंग के लिए लानी है। अब इसको ऐसा दिखाना है और ये ऐसा दिखाना है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ कि द मेन इन्फोर्समेंट शुड बी बेंट टू फॉलो द बॉटम प्रोफाइल ऑफ द स्टेयर। जो मेन इन्फोर्समेंट होगा जो बॉटम प्रोफाइल को फॉलो करेगा, ठीक है। However, if this pattern is followed near the landing, an angle will be formed in the bar. अगर इसी पैटर्न को इस लैंडिंग की जगह अगर मैं फॉलो करता हूँ, इस जगह भी जो कि हमारी प्रोफाइल चेंज हो रही है, हमारी प्रोफाइल ये ऊपर चली जा रही है, तो क्या होगा हमारा, When the bar is stressed, it will try to throw off the concrete cover. अगर आपका सपोज यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मैं कि सपोज दिस इज माई लैंडिंग है एंड दिस इज माई सपोर्ट, अगर इस प्रकार से यहाँ पर मैं डाल दिया इन्फोर्समेंट ऐसा और ऐसा, और यहाँ अगर स्ट्रेस लगा दिया, सपोज कोई टेंसाइल फोर्स है और इधर भी कोई टेंसाइल फोर्स है, तब क्या होगा, जब आप इसको स्ट्रेच करोगे, आपके यहाँ कवर बहुत कम है, हियर द कवर इज वेरी लेस, यू कैन से 20 मिलीमीटर 25 मिलीमीटर, और जब ये स्ट्रेस होगी इधर से खींचेंगे तो यहाँ का जो कवर है इसको डैमेज कर देगा और फेलियर कर देगा। जब भी इसको खींचोगे आपकी कवर यहाँ की डैमेज हो जाएगी। हेंस नियर द लैंडिंग द बार्स आर टेकन स्ट्रेट अप एंड बेंट इन द कंप्रेशन जोन ऑफ लैंडिंग। इसीलिए कि वो कवर को डैमेज ना करे, और कवर डैमेज होगा तो फेलियर होगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसी रिइंफोर्समेंट को ऊपर लेके जाते हैं कंप्रेशन जोन में, फिर वहां से डाउन करके उसके बाद क्या है देखते हैं, बेंट इन द कंप्रेशन जोन ऑफ लैंडिंग इन ऑर्डर टू टेक टेंसाइल स्ट्रेसेस। अब क्या है कि मुझे पता है कि आरसीसी तो वीक होती है, किस चीज़ में, आरसीसी मींस रिइंफोर्स कंक्रीट इज वीक इन टेकिंग टेंसाइल फोर्स, सो व्हाई डू वी प्रोवाइड इन्फोर्समेंट टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो उस चीज़ को मुझे टेंसाइल जोन में प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यहाँ तो कंप्रेसिव में डाल दिया हम लोगों ने, उसी सेट को क्या करें एक अलग से टेंशन जोन में मुझे डालना पड़ेगा जो ये है, इन ऑर्डर टू टेक टेंसाइल स्ट्रेसेस इन द लैंडिंग सेपरेट सेट ऑफ बार्स आर प्रोवाइडेड। तो नॉर्मली हम लोग प्रैक्टिकली क्या करते हैं कि जो जितना इधर डाल रहे हैं उतना ही डाल रहे हैं। अगर आप चाहो तो ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन भी डाल सकते हो। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन करने का मतलब कि आपकी यहाँ की लोडिंग अलग है, यहाँ की लोडिंग अलग है, यहाँ की लोडिंग अलग है, तो इसके लिए अलग सेट ऑफ आपका इन्फोर्समेंट होगा। लेकिन ऐसा हम लोग इन्फोर्समेंट प्रोवाइडर में नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो एक मिल गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पे उसी को डाल रहे हैं। अगर आप चाहो तो लैंडिंग के लिए अलग से इन्फोर्समेंट निकाल सकते हो, तो कितना वहाँ पर टेंसाइल इन्फोर्समेंट लगेगा वो भी प्रोवाइड करने का तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा। बट प्रैक्टिकली व्हाट वी डू इज दैट हम लोग जो यहाँ मेन इन्फोर्समेंट निकला उसी से हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उसी को कंप्रेसिव लेके चले जाते हैं, जितना मुझे टेंसाइल चाहिए लैंडिंग के लिए उसी को हम लोग बेंड करके इसमें ले आते हैं। और ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ है, ये हमारी डेवलपमेंट लेंथ, जो नेक्स्ट स्टेप में हमें देखना है कि चेक फॉर द डेवलपमेंट लेंथ इज माय लास्ट स्टेप। सो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। आई हैव गिवन द रीजन हियर। नाउ द सिक्स स्टेप इज ओवर, कम टू द सेवन स्टेप एंड द लास्ट स्टेप। सेवन स्टेप मेरा क्या है, व्हाट इज माय सेवन स्टेप, सेवन स्टेप इज स्टेप सेवन, दिस इज द लास्ट स्टेप, डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ इसको चेक करने के लिए एज पर आईएस कोड व्हाट आई हैव द फॉर्मूला, वी नो एलडी डेवलपमेंट लेंथ इज इक्वल्स टू 0.87 एफवाई 5 4 टॉप बीडी। ये हमारे पास एज पर ISO LSM लिमिट स्टेट मेथड से आप देखोगे कि ये हमारे पास IS कोड में फॉर्मूला दी हुई है। एंड व्हाट इज FY, यू नो FY इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ
ऑफ स्केल. फाई व्हाट इज फाई ईयर, डाया ऑफ बार, डायमीटर ऑफ बार. एंड व्हाट इज टॉप बीडी, यू नो टॉप बीडी इज योर बॉन्ड स्ट्रेस, बॉन्ड स्ट्रेस. एंड टॉप बीडी फॉर डिफॉल्ट बार, फॉर हाई ईयर स्ट्रेंथ बार के लिए आपकी टॉप बीडी जो बॉन्ड स्ट्रेस होती है, सपोज फॉर M20 कंक्रीट, फॉर M20 कंक्रीट व्हाट इज द वैल्यू, टॉप बीडी इज 1.96 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू दैट यू विल गेट इन द कोड, आपको ये कोड मिल जाएगा. तो कहने का मतलब है कि इस फॉर्मूले से आपके पास अभी तक कितने सारे स्टेप्स हैं, आप सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा आपको. आप निकाल लोगे कि एल डी मुझे कितना रिक्वायरमेंट है. दिस इज द एल डी मीन्स डेवलपमेंट लेंथ, और ये एल डी की वैल्यू सपोज मेरे 500 मिलीमीटर, 600 मिलीमीटर, 700 मिलीमीटर कुछ भी आ सकता है. वो चीज़ को मुझे यहाँ प्रोवाइड करना है. कैसे प्रोवाइड करना है, जो हम लोगों ने देखा था कि सपोज दिस इज माई प्रोफाइल हियर, दिस इज माई लैंडिंग, दिस इज माई वन स्टार्टिंग एंड. तो डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे क्या होता था हमारा, हम लोगों ने देखा था कि सपोज दिस इज माई मेन रिइंफोर्समेंट, दिस इज माई मेन रिइंफोर्समेंट एंड दिस इज माई, ये इट विल गो अप हियर, अगेन हियर, हियर, हियर. तो दिस लेंथ फ्रॉम हियर टू हियर, सपोज दिस इज माई, यू कैन से दिस इज योर सपोर्ट हियर. सो हम लोगों ने देखा है कि दिस इज माई डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, दिस लेंथ इज माई डेवलपमेंट लेंथ फॉर दिस लैंडिंग पोर्शन एंड दिस इज फॉर द वेस्ट लैप पोर्शन, दिस इज द डेवलपमेंट लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ. तो कहने का मतलब है कि जब आप प्रोवाइड कर रहे हो डेवलपमेंट लेंथ, जो आपने कैलकुलेशन किया यहाँ पर, सपोज आपका बोल रहा है कि 800 मिलीमीटर चाहिए, तो आपकी ये जो लेंथ है रिइंफोर्समेंट की वो 800 मिलीमीटर होनी चाहिए. अगर कम है, आपको 800 अगर ये बोलता है एज पर दिस फॉर्मूला, इट मीन्स आपको 800 यहाँ प्रोवाइड करना है, आपको 800 यहाँ से यहाँ तक का लेंथ प्रोवाइड करना है, बिकॉज दिस इज द गाइडलाइन गिवन बाय द IS कोड, आप इसे भाग नहीं सकते हो. सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस द 7 स्टेप्स, हाउ टू डू योर डायमेंशन प्रोपोर्शनिंग कैसे करते हैं आप, इफेक्टिव लेंथ कैसे निकालते हो, थिकनेस ऑफ द वेस्ट स्लैब कैसे निकालते हो, हाउ टू कैलकुलेट द लोड कैसे करते हो, हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंट कैसे करते हो, हाउ टू कैलकुलेट द टेंसाइल रिइंफोर्समेंट कितना लगेगा हमें वेस्ट स्लैब में, ये हम लोगों ने देख लिया. एंड द लास्ट स्टेप दैट आई हैव सीन इज दैट हाउ टू फाइंड द डेवलपमेंट लेंथ. इन सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे देन यू विल बी एबल टू डिजाइन अ RCC स्टीयर. I hope you must have understood this steps lecture, and in the next lecture we will solve one problem based on all these steps that we have done till now. Thank you very much.